दोस्तों, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर और डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर दोनों में अंतर क्या है? जब आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम कीजिएगा तो आपको फार्म हाउस में 55 किलोवाट का मोटर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपका स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का उपयोग किया गया है। और एक आपका 55 किलोवाट का मोटर है एपीसीएस सिस्टम में, देखिएगा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से चल रहा है। ऐसा क्यों, किस लिए, इसका कारण क्या है, आज मैं आप लोगों के साथ अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा और प्रैक्टिकल तरीका से ही आप लोगों को समझाऊंगा। जब आप कोई इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू दीजिएगा तो बहुत आसान तरीका से समझा सकते हैं, आपके अंदर में कुछ डाउट भी नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले दोस्तों, जब आप फार्म हाउस में काम कर रहे हैं तो एक चीज आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा से बनाना है कि एक जो आपका 55 किलोवाट का मोटर है जिसमें आपका स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का उपयोग किया गया है, तो ये जो मोटर है ये आपका एक दिन में कितना बार बंद चालू हो रहा है, 10 बार, 12 बार या 15 बार। पहला जो पॉइंट होता है इसी को आपको अच्छा से फॉलो करना है। और जो आपका एपीसीएस सिस्टम, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, इसमें आपका मोटर कितना बार बंद चालू हो रहा है, ना 24 घंटा या 36 घंटा में एक बार सिर्फ बंद चालू हो रहा है या दो बार हो रहा है। अभी जहां पे आपका स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का उपयोग किया गया है, ये जो आपका 55 किलोवाट का मोटर है इसको आप बंद चालू कर रहे हैं, मोटर का वाइंडिंग में कुछ भी आपका फॉल्ट नहीं आ रहा है, मोटर आपका कंटिन्यू 5 साल, 6 साल, 7 साल चल रहा है। और जहां पे आपका एयर पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम है इस पे भी आपका 55 किलोवाट का मोटर है, 24 घंटा या 36 घंटा में एक बार आप बंद चालू कर रहे हैं तो 5 साल, 6 साल, 7 साल तक मोटर आपका कंटिन्यू चल रहा है, इस मोटर पे भी आपका वाइंडिंग में कुछ भी फॉल्ट नहीं आ रहा है। इसमें आपको क्या समझ में आया कि जहां पे आपका स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करेंगे तो जो आपका 3 फेज स्क्वेल गेज इंडक्शन मोटर है इसको अगर हम ज्यादा बंद चालू करेंगे तो मोटर में हमारा कुछ भी फॉल्ट नहीं आएगा। और यही 3 फेज स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर में अगर जहां पर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से चल रहा है इस मोटर को हम लोग ज्यादा बंद चालू नहीं कर सकते हैं। अभी आ जाता है ऐसा क्यों, 3 फेज स्क्वायर गेज इंडक्शन का मोटर जो है इसमें जब आप मोटर को स्टार्ट करते हैं ना स्टार्टिंग करंट आपका ज्यादा रहता है, स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए हम लोग स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करते हैं। अभी किस तरह से, ना स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में आपका टोटल 3 गो कॉन्टेक्टर रहता है, शुरू में हम लोग स्टार में मोटर को चालू करते हैं, इसके बाद आपका मोटर का जब स्पीड 70 से 80% आ जाता है इसके बाद हम लोग डेल्टा में चलाते हैं और ये कंटिन्यू यही सिस्टम में ही मोटर चलता है। अभी किस तरह से, ना स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में आपका एक टाइमर लगा हुआ रहता है और टाइमर के किस तरह से सेट करना है इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को समझाया हूं। शुरू में जब आपका मोटर स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग करंट ज्यादा होता है तो उस टाइम जो मोटर का आरपीएम है आरपीएम कम रहता है, कितना रहता है, चाहे 900 हो या 1000 रहता है। और जब धीरे धीरे मोटर का स्पीड बढ़ने लगता है तो क्या होता है, आरपीएम आपका ज्यादा होने लगता है, बाद में क्या होता है 1100 आरपीएम, 1200 आरपीएम, 1300 आरपीएम, इस तरह से धीरे धीरे मोटर का स्पीड बढ़ता है। जब आपका मोटर का स्पीड बढ़ने लगेगा तो जो मोटर का स्टार्टिंग करंट है वो कम होने लगेगा। जब आपका मोटर का स्पीड 70 से 80% आ जाएगा
इसके बाद हमारा डेल्टा होगा। जब आपका डेल्टा होगा तो ये मोटर हमारा कितना आरपीएम का था, 1440 का, उसके बाद ये 1440 आरपीएम में आएगा। तो इस तरह से करने से क्या फायदा है कि जो आपका थ्री फेज स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर है, इसमें जो आपका वाइंडिंग है, वाइंडिंग आपका कभी भी ओवर हीट नहीं होगा, ना आपका कभी मोटर जलेगा। सेम टू सेम दोस्तों, जो आपका एपीएस सिस्टम है इस पे भी यही सेम चीज होता है, लेकिन इसको किस तरह से कंट्रोल करते हैं इसको आपको अच्छा से समझना है। अभी के डेट में जितना सारा आपका नया नया कंपनी है, इसमें आपको वीएफडी देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जितना सारा पुराना प्लांट है इसमें आपको यही डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए हम लोग किस तरह से कंट्रोल करते थे ना, जब हम लोग मोटर को स्टार्ट करते थे तो उस टाइम क्या होता था, एक गेट भाग रहता था जिसको हम लोग डम्पर बोलते थे। पहले डम्पर को क्लोज कर लेते थे, ठीक है। क्लोज करने के बाद ये जो आपका 55 किलोवाट का मोटर है, इसको हम लोग धीरे धीरे क्या करते थे, चालू करते थे। धीरे धीरे मतलब मोटर को अनलोड में चालू करते थे, मोटर के ऊपर बिल्कुल भी कुछ लोड नहीं रहता था। जब आपका डम्पर क्लोज रहेगा उस टाइम मोटर के ऊपर कुछ भी लोड नहीं आता था, और जब मोटर का स्पीड मतलब मोटर का आरपीएम अगर 1440 है, 1440 आरपीएम में आ जाता था, इसके बाद मोटर के ऊपर हम लोग लोड देते थे, धीरे धीरे डम्पर को ओपन करते थे, ठीक है। इस तरह से कंटिन्यू मोटर आपका चलता रहता था, कभी भी आपका मोटर में फॉल्ट नहीं आता था। अगर आपके पास भी यही सेम एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम बना हुआ है तो पहले आपको क्या करना है, पहले जो उसका गेट है मतलब जो डम्पर है इसको आपको क्लोज रखना है, मोटर को पहले अनलोड में चालू करना है। जब आपका मोटर फुल आरपीएम में आ जाएगा, इसके बाद आपको धीरे धीरे मोटर के ऊपर लोड देना है। कभी भी मोटर आपका नहीं जलेगा, ना मोटर का वाइंडिंग में आपका कुछ फॉल्ट आएगा। अभी बात आ जाता है दोस्तों कि जैसे ही आप डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही स्टार्ट कीजिएगा एक से लेके 3 सेकंड के अंदर में ये फुल आरपीएम में आ जाएगा, मतलब ये जो 1440 है इस आरपीएम में आ जाता है। लेकिन स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में अगर आप चालू कीजिएगा तो ये जो 1440 है ये आरपीएम आने में आपको मोटा मोटी 10 से लेके 15 सेकंड तक टाइम लग जाता है। ये दोनों जो चीज है दोनों आपका अलग अलग है। स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर से मोटर का बार बार बंद चालू कर रहे हैं, इसके लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है। और जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है इसमें आप बार बार बंद चालू नहीं कर सकते हैं। अभी आपको ये कन्फर्म हो गया है कि कौन सा जगह में हमको स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करना है और कौन सा जगह में डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का उपयोग करना है। एक और डाउट आ जाता है दोस्तों कि जो आपका एक 3.75 किलोवाट का मोटर है, ठीक है, और एक आपका 55 किलोवाट का मोटर है, तो एक में हम स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का उपयोग कर रहे हैं, एक में हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का उपयोग कर रहे हैं। इससे पहले मैं जो वीडियो बनाया था आप लोगों को समझाया था कि जो आपका 5 HP से ऊपर का मोटर है इसमें हम लोग स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करते हैं, क्योंकि पहले ये आपको देखना है कि मोटर को आपको बंद चालू दिन भर में कितना बार करना है। और जो आपका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से चल रहा है इसमें आपको कितना बार बंद चालू करना है, तो इस जगह में मेन रोल आ जाता है कि कितना किलोवाट का मोटर है ना। एक हमारा 3.75 किलोवाट का मोटर है, एक हमारा 55 किलोवाट का मोटर है। जब आपका 55 किलोवाट का मोटर होगा उस टाइम स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करना पड़ेगा, और अगर 3.75 किलोवाट का मोटर है इसको हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन में चला सकते हैं। अभी ऐसा क्यों, इसको जो डाउट है ये भी आपको क्लियर करना है ना। ये जो आपका 55 किलोवाट का मोटर है तो मोटर के अंदर में जो आपका रोटर रहता है,
ये रोटर क्या रहता है, बड़ा रहता है। तो जब आप रोटर को घुमाइएगा तो क्या होगा, मोटर का वाइंडिंग में लोड पड़ेगा। किसके चलते लोड पड़ रहा है ना, इसका रोटर बहुत बड़ा है, इसके चलते जो आपका 55 किलोवाट का मोटर है तो इसको घुमाने में भी ज्यादा ताकत लगेगा। लेकिन एक जो आपका 3.75 किलोवाट का मोटर है, इसका जो रोटर है ये काफी छोटा रहेगा, तो इसको घुमाने में इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चाहे आप स्टार में चला लीजिए या आप डेल्टा में चला लीजिए, ठीक है, ये दोनों कनेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जितना सारा फ्रेंड रोलिंग मिल, पावर प्लांट, SMS, कहीं भी ड्यूटी करते हैं, मेन कूलर, फैन में आपको दोनों कनेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। जो आपका 3.75 किलोवाट का मोटर है, ये ज्यादातर मेन कूलर पंखा में ही उपयोग किया जाता है। अभी ये आपको समझ में आ गया कि कहां पे हमको स्टार कनेक्शन करना है, कहां पे डेल्टा कनेक्शन करना है। अभी जहां पे आपका 3.75 किलोवाट मतलब मोटर छोटा है, तो इसको घुमाने में इसको कुछ भी तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि इसका रोटर छोटा है। और जहां पे आपका 55 किलोवाट का मोटर है, इसका रोटर काफी बड़ा है, तो इसको घुमाने में काफी तकलीफ होगा। इसीलिए इसमें हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करते हैं। और ये जो आपका 3.75 किलोवाट का मोटर है, इसमें हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का उपयोग करते हैं। एक 55 किलोवाट का मोटर का जो रोटर है ये बड़ा होता है, और जो एक 3.75 किलोवाट का मोटर है ये काफी छोटा होता है। अगर हमको एक 5 किलो का बटकरा उठाने के लिए बोलेगा तो मैं बहुत आसान से उठा लूंगा, लेकिन जब हमको 100 किलो का बटकरा उठाने के लिए बोलेगा तब हमको बहुत ज्यादा ताकत देना पड़ेगा और बहुत तकलीफ होगा। लेकिन 5 केजी का बटकरा उठाने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इलेक्ट्रिकल का ग्रुप जितना सारा है, सबका लिंक यूट्यूब चैनल का अबाउट में आपको मिल जाएगा। और फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप मेरा व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं हर रोज। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इलेक्ट्रिकल का ग्रुप जितना सारा है, सबका लिंक यूट्यूब चैनल का अबाउट में आपको मिल जाएगा। और फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप मेरा व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं हर रोज। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।